हे गाइस हाय कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे तो गाइस यह वीडियो कोई एजुकेशन रिलेटेड वीडियो नहीं है अब क्या है इस वीडियो में बेसिकली तो जो बच्चे अभी जस्ट क्लास टेंथ में एंटर हुए हैं ये वीडियो उनके लिए है ठीक है मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स डन बाय क्लास टेन स्टूडेंट्स ठीक है क्लास टेंथ में आते ही कुछ बच्चे कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं ठीक है वो अभी जो भी बच्चे क्लास टेंथ में आए हैं आगे चलकर वो ये मिस्टेक्स ना करें इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है ठीक है चलिए शुरू करते हैं फिर तो देखिए कॉमन मिस्टेक्स डन बाय क्लास टेंथ स्टूडेंट्स तो यहाँ पर पांच ऐसी मिस्टेक्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैक्सिमम बच्चे क्लास टेंथ के वही करते हैं मैक्सिमम बच्चे ठीक है तो अवॉइड दिस मिस्टेक्स आई मेड दिस वीडियो टू अवॉइड दिस मिस्टेक्स तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये मिस्टेक्स ना करें ठीक है तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी मिस्टेक्स जो है बेसिकली क्लास टेन के स्टूडेंट्स करते हैं पहली मिस्टेक देखिए कल तो भाई बहुत ज़्यादा पढ़ूँगा कल तो भाई हम मचाएँगे कल तो भाई पूरा चैप्टर ख़त्म करूँगा कल से जान लगा देंगे ये सारी बातें फेंकना बंद करिए ठीक है थीके? क्या करते हैं आप लोग कि भाई कल से बहुत पढ़ूंगा अभी टेंशन नहीं है आज थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ कल से पढ़ूंगा कल आता है अरे भाई कुछ नहीं अभी एक ही दिन हुआ है कल और ज़्यादा पढ़ूंगा कल मचाएंगे हम कल पूरा पढ़ लेंगे फिर दूसरा दिन फिर कल भाई पूरा चैप्टर ख़त्म करूँगा देख लेना मैं पक्का बोलता हूँ ठीक है उसके अगले दिन आता है कल से जान लगाऊंगा भाई पक्का बोलता हूँ ऐसा आप कल, कल 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 करते रहते हो लेकिन कल तो कभी आता है नहीं कल तो कभी आता है नहीं ठीक है कल कभी नहीं आता है तो ये मिस्टेक आप अवॉइड कीजिए ऐसा मत कीजिए ऐसा करोगे बर्बाद हो गए पचास परसेंट भी आना मुश्किल हो जाएगा गाइस <laughs> समझ रहे हो तो ये अवॉइड कीजिए गाइस कल बढ़ूँगा कल जान लगाऊँगा ये करूँगा वो करूँगा भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है ऐसा करोगे नहीं पचास परसेंट भी आना मुश्किल है गाइस ऐसा करोगे तो मैं लिख के रहता हूँ अब कल को पढ़ोगे बोलते हो कल मन करता है परसों पढ़ेंगे बट ऐसा मत करो ये बहुत मतलब बहुत गंदी मिस्टेक है ठीक है मिस्टेक नंबर टू जो बोस्ट कॉमन लोग क्लास टेंथ के बच्चे तो यूज़ करते लिख के नहीं पढ़ते ठीक है मतलब क्या अभी फ़िलहाल तो ऑनलाइन का जमाना है है ना अभी फ़िलहाल तो इस कोविड नाइन्टीन के सिचुएशन में ऑनलाइन ही पढ़ाई होती है तो अभी हम जैसे चैनल्स जो हैं यूट्यूब पर बहुत सारे आपको ऐसे चैनल्स मिल जाते हैं ठीक है जो आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं ठीक है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं ठीक है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ठीक है माइंड मैप्स क्लास टेन के बच्चों के लिए तो माइंड मैप्स भी होता है माइंड मैप्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको जो है पढ़ने में आसानी हो तो ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन में मिल जाती है लेकिन इससे क्या होता है आप लिख के नहीं करते हो ठीक है लिखते नहीं हो तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है ठीक है खुद से लिखना खुद से लिखना छोड़ देते हो ये नहीं करना है आया समझ में तो ये अवॉइड कीजिए ओके नेक्स्ट मिस्टेक मिस्टेक नंबर थ्री एग्ज़ाम की सेल्फ़ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट अभी ऑनलाइन स्टडी के ज़माने में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर पे बैठे रहते हैं सब लोग ठीक है तो घर पे बैठे बैठे पढ़ाई करिए टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ़ प्रैक्टिस ऐसा नहीं एक बार आ गया चल निकल हो गया कहानी खत्म ऐसा नहीं करना है ठीक है एग्ज़ाम की सेल्फ़ प्रैक्टिस खुद से प्रैक्टिस करिए ठीक है टेस्ट सीरीज़ जो हम लॉन्च करने वाले हैं उसको उसको ज्वाइन करके आप वो वहाँ पर भी अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है ओके तो ये याद रखिए मिस्टेक नंबर फोर इग्नोरिंग लैंग्वेज सब्जेक्ट्स अब लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जो है वो मेजर रोल प्ले करती है मेजर रोल प्ले करती है आपके मार्क्स में ठीक है तो मतलब क्या होता है आप इग्नोर कर देते हो कि क्या इंग्लिश हिंदी में है क्या खाली लेसन समझ में आ गया हो गया एंड तो ऐसा नहीं ठीक है पूरा ग्रामर ठीक है ग्रामर उसमें जो आते हैं राइटिंग स्किल्स जैसे ठीक है राइटिंग स्किल्स ठीक है ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है ऐसा नहीं है चैप्टर आ गया ना बस और क्या करना है हो गया कहानी खत्म और है ही क्या अच्छी ऐसा नहीं करना है ऐसा करोगे कम मार्क्स आपका एम जो भी होगा परसेंटेज का एम इन परसेंटेज नॉट फुलफिल्ड इट वे इट वोंट बी फुलफिल गाइस ओके तो एक कॉमन मिस्टेक है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं ऐसा नहीं करने का लैंग्वेज सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ठीक है इंग्लिश हिंदी में है hey, ही क्या अरे स्टोरी तो है स्टोरी समझ आ गई बस ऐसा नहीं है आपको लगता है ठीक है और स्टोरी समझना इंपॉर्टेंट नहीं है वो कैसे हैं उसमें बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच पोएम्स आते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें आती है इंग्लिश में मीनिंग्स इंग्लिश कुछ इतना आसान नहीं है गाइस ठीक है ठीक है आ रहा है समझ में तो ये लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है उसको हलवा समझना बंद करो अरे क्या है ही क्या अच्छी ऐसा नहीं करना है हलवा नहीं है वो टफ है टफ हार्ड है बहुत तो ये एक मिस्टेक है जो कि बहुत कॉमन बच्चे इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो ये जो मिस्टेक है उसे अवॉइड कीजिए ठीक है मिस्टेक नंबर फाइव इग्नोरिंग इजी सब्जेक्ट्स और कंसेप्ट और टॉपिक्स अब कुछ टॉपिक जैसे अभी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जैसे अब कुछ बेसिक टॉपिक जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन अब मैं बेसिक टॉपिक की बात करता हूँ जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो गाइस प्लस माइनस किसको नहीं आता लेकिन फिर भी अगर मैं पॉलिनोमियल्स लेसन में जाऊँगा ना पॉलिनोमियल जो क्लास टेंथ का है मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ पॉलिनोमियल्स लेसन में जो वो डिविज़न वाले सम होते हैं उसमें मैं आपको अगर सम दूंगा ना डिवाइड करने प्लस माइनस में भी मिस्टेक करोगे आप ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ प्लस माइनस में भी ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा ठीक है वो डिवीजन वाले कंसेप्ट का नाम देखिए क्या है तो डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ फॉर पॉलिनोमियल्स तो ये जो डिवीजन एलगोरिधम का कंसेप्ट है ना इस पॉलिनियल्स लेसन में मैं बहुत मतलब बहुत कम बच्चे ऐसे मिलेंगे जो इसमें मिस्टेक ना करते हो जो जिन्होंने नाइन्थ में एट्थ में ये भी डिवीजन एलगोरिदम था पॉलिनोमियल्स में बेसिकली नाइन्थ ही नाइन्थ में अगर जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा वही वो भी कभी कभी कभी, कभी, कभी कभार मिस्टेक कर देते हैं लेकिन बाकी के स्टूडेंट तो मोस्ट कॉमनली इसमें मिस्टेक करते हैं ठीक है आ रहा है समझ में डिवीजन एल्गोरिथम मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मैक्सिमम सेवेंटी परसेंट स्टूडेंट तो नहीं कर पाएंगे ठीक है जिन्होंने अच्छे से नाइन्थ में पढ़ा है नाइन्थ स्टैंडर्ड में जिन्होंने अच्छे से स्टडी किया है वो आई थिंक वो भी बीच बीच में मिस्टेक करते हैं पर ज़्यादा नहीं तो वो भी आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे बट वो अच्छे से पढ़ पाएंगे अच्छे से कर पाएंगे ठीक है तो ये याद रखिए कि, कि कोई ईजी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट तो छोड़ दीजिए सब्जेक्ट छोड़ दे कंसेप्ट की बात करूँ या टॉपिक की कोई ईजी सब्जेक्ट भी होता है अभी हिंदी हिंदी मातृभाषा है सबको आता है क्या पढ़ना है यार ऐसा नहीं करना है नहीं, ऐसा नहीं ठीक है ऐसा नहीं है कंसेप्ट अभी एडिशन सब्सन का जो कंसेप्ट है वो तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसमें भी अगर आप मिस्टेक करते हो ऐसा नहीं बड़े हो गए लेकिन फिर भी करते हो ऐसा मत समझिए ठीक है? है तो किसी भी समझेक्ट कंसेप्ट या फिर सब्जेक्ट हो या फिर टॉपिक किसी भी टॉपिक को एकदम ईजी मत समझिए ठीक है, है? आने समझ में तो ये सारे कुछ कॉमन फाइव मिस्टेक्स थे जो आप बहुत सारे बच्चे क्लास टेंथ में आकर इस गलतियों को कर बैठते हैं ठीक है तो अभी जो भी बच्चे क्लास टेंथ में अभी अभी एंटर्ड हुए हैं हु हैज़ एंटर्ड टू क्लास टेंथ जस्ट राइट नाव उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है बेसिकली ठीक है तो वो आगे चलकर ऐसे मिस्टेक ना करे इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ख़ास तौर पर ठीक है तो उन्हीं के लिए यह वीडियो है ओके तो होप कि आपको पूरा जो ये मिस्टेक्स है वो समझ आ गए होंगे तो मैं चाहता हूँ आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए ठीक है ऐसा मत कीजिए कोई भी सब्जेक्ट इजी कंसेप्ट इसको ऐसा इजी चिंदी मत समझिए ठीक है तो ये पांच मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए मैं चाहता हूँ ठीक है तो होप कि आपको सारा अच्छे से समझ आ गया होगा तो गाइज़ यही था आज का सेशन तो आज का सेशन मैं यहाँ यहीं पर एंड करता हूँ ठीक है तो गाइज़ मिलते हैं लेक्चर्स के टाइम पर मिलते हैं अगले वीडियो में Uh, तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड स्टे सेफ ओके बाय ओके बाय गाइस